आपका हमारे YouTube चैनल किसान सेवक अरविंद पवार में अपना हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, धान का सीजन स्टार्ट हो चुका है, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें या पूर्वांचल की बात करें, इस समय पर जो है सभी प्रदेशों में जो है धान की रोपाई का सीजन जो है स्टार्ट हो चुका। और किसान भाइयों, आप सब जो है नई नई वेराइटी जो है अपने फार्म पर जो है लगा रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने यहाँ पर जो है 2-3 वेराइटी इस साल जो है धान लगाने के लिए इसकी जो है जो पौध है पनीरी है वो तैयार की है। ये 1500 नौ की हमारे पास एक वेरायटी है, बहुत शानदार वेरायटी है 1500 नौ भी, क्योंकि 1500 नौ जो है इसमें बीमारियां बहुत कम है, पैदावार अच्छी है। और सबसे बड़ी बात क्या है किसान भाई, मैं आपको 2-3 सलाह देना चाहूँगा। अगर आप लोग भी इस समय पर जो है अपने खेत में धान की तैयारी कर रहे हैं और पौध बोने के लिए आप तैयार है, सबसे पहले तो आप जिस क्यारी में पौध बोने की आपकी तैयारी है उसको बढ़िया तरीके से तैयार करें, उसकी अच्छी तरीके से जो है निराई गुड़ाई करके जो है आप उसको जो है बिल्कुल समतल कर ले। और जो बीज है, बीज को आप बिल्कुल एक साथ समान मात्रा में जो है इसको जो है आप बोए, और बोने के बाद उसमें हल्की सिंचाई करें। और एक सबसे बड़ी जो मेरी सलाह है आपसे, आप बीज का उपचार जरूर करें, बीज का उपचार आपको जरूर करना चाहिए। थायमेटोक्सम से या थीरम से कर सकते हैं, बायोस्टिन से कर सकते हैं, क्योंकि फंगस की बहुत बड़ी समस्या है। और उसके साथ साथ में किसान भाई आपको जो है भूमि का उपचार करना चाहिए, फंगस के लिए 2-3 कार्बनडाइजम मैनकोजेब का इस्तेमाल करें या थाइफेनेट मिस्थाइल का भी आप स्प्रे कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन में आप ब्रुक का जो है उसको जो है मिट्टी में अच्छे तरीके से मिला सकते हैं। उसके अलावा और भी कई फंगिसाइड आते हैं, आप उनका इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे 2-3 समस्या होती है। एक तो झंडे वाली बहुत बड़ी एक बीमारी आ चुकी है धान के अंदर जो है, उस पर भी तुरंत जो है कुछ वेराइटी में है वो समस्या, तो उस पर तुरंत जो है उसका निदान होगा, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक और खेत है इधर जो है लगभग 10 एकड़ की जो है पनीरी तैयार करने के लिए, ये 11-21 की भी जो है पौध जो है बिल्कुल पिछले लगभग 10 से 12 दिन की इसकी जो है बुआई उसको हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से आप जो है पूरे खेत को एक इसका आप लेवल जरूर करें, क्योंकि कहीं पानी कम या ज़्यादा ना रहे, गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा। और एक मेरी आप लोगों से सलाह है कि पौध में आप जब भी पानी दें वो शाम के टाइम दें, क्योंकि दिन में टेम्परेचर जो है लगभग 46-47-48 तक फिलहाल हमारे यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज की डेट में चल रहा है, तो पौध खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप जो है अच्छी पौध तैयार करने के लिए जो है उसमें शाम के टाइम जो है पानी की सिंचाई करें इसकी जो पौध की। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जब आप जो है पौध लगभग 20 से 25 दिन की आप हो जाएगी, उसके बाद ही आप जैसे जो है रोपने का आप कार्य करें। एक और वेरायटी हमारे पास किसान भाई, वो भी आपको दिखाता हूँ। और किसान भाइयों, एक वेरायटी हमारे पास ये है तुड़ल, जिसे कुछ लोग मुच्छल भी बोलते हैं, खाने में सबसे बेस्ट वेरायटी है। इसकी खुशबू जो है, अगर चावल आपके घर पर पका है तो पड़ोस में भी जो है इसकी खुशबू जाती है। मेरा आप सभी से अनुरोध, अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो आप जो है इस तुड़ल वेरायटी को अपने घर के खाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके चावल की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तीन चार वेरायटी हम लोगों ने इस साल तैयार करी। आप लोग भी इस तरीके से अपनी पौध तैयार कर सकते हैं, खेत तैयार है अब लगभग जो है, तो आप जो है जैसे आपकी पौध है 20 से 25 दिन की हो जाएगी, आप उसको जो है रोपने का आप जो है इसकी तैयारी करें। धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको कोई सलाह कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।